صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آل محمد. तो मैंने दो शर्तें रखी थी मेरे भाई, अकेले आना है, कैमरामैन साथ ले आओ, दूसरा सिर्फ अकीदे पे बात होगी और आप उसकी वो पहली, वो अब मैं वो चोरों वाली तो लफ्ज मैं इस्तेमाल नहीं करता, जो 5 मिनट की वीडियो में 10 कटिंग्स है उसके अंदर आप देख ले, उसने आते ही कह के यहां का ये मौलाना मेरा रैप है और 6 बंदे मेरी तरफ से होंगे, तू रस्से का मैच मेरे साथ खेलना है, 6 बंदे तेरे साथ होंगे और ये बोल भी तो एरिया रगड़ते हैं मेरे साथ बैठने के लिए, मैंने तुम्हें इजाजत दी थी और कैमरामैन 6-10 सिक्योरिटी गार्ड लेके आ दो बाहर बैठेंगे अगर तुम्हें सिक्योरिटी का मतलब, मौलवी के साथ ही मैं बैठूंगा, तुम्हें कहा था क्या बनना चैलेंज आ जा बच्चा जिस फोरम पे, अभी तो मैं आगे इंशाल्लाह क्लियर करता हूं ना, ये जो ताहिर अशरफी के बारे में ये इनका रैप बन के सामने आया है और झूठ बोला है इसने कि मेरी बात होगी फ्लास है वो गवर्नमेंट का नुमाइंदा है ना ताहिर अशरफी, पीटीवी पे बुला बोले पूरी बैठा था, सची उस्मानी को भी ले आओ, तीनों मौलाना बैठो मैं अकेला बैठूंगा, खुदा की कसम क़यामत तक के लिए जो बंदियत का जनाजा ना उठा वहां से तो तुम लोग देखना, और इनको पता है सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर क्लैपिंग है कि जिस तरह अमरीका जाते हुए ना ये बार बार हमारे ऊपर मुसलत करके चला गया ना, ये रात के अंधेरों में चोरी की तरह वीडियो बना के यहाँ के 6-7 मुल्ले मेरे ऊपर मुसलत करके जा रहा था और उनके नाम ले रहा था, मुझे नहीं समझ आती, ओए बनू उमैया की चालें जहां से खत्म होती है ना वहां से मेरी अकल स्टार्ट होती है, मौला अली को जंगे सिफीन में धोखा दिया था ना मोहम्मद, दूसरी दफा सुराग से नहीं चला जाता, तुम लोग क्या समझते हो मुझे, डमरों वाली अप्रोच के लिए भी भाई एक वीडियो चढ़ा देते, किस पे चढ़ाते, मेरी पहले दिन डिमांड है अकेला बंदा आएगा कैमरामैन आएगा ठीक है और सिर्फ अकीदे पे बात होगी, उसकी आप वीडियो देख ले, उसने कहा मैं उन मसलों पे भी पहले 1.5 घंटे बात करूंगा, तू वही बातें रिपीट कर।